भी कंस को आए आपकी इस गांव में इस विधानसभा के अंदर जो पार्टी के लोग सामने से चुनाव लड़ रहे हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग तो धर्म को मानते ही नहीं। वो कहते हैं कि ये क्या होता हिंदू, क्या होता मुसलमान, क्या होता है भगवान राम, क्या होता कृष्ण, ये कम्युनिस्टों की सोच। उनके अपनी सीमा के दायरे में देश भी कुछ नहीं होता। उनके अपने दायरे में अगर आप सही अर्थ में देखो तो कम्युनिस्ट की विचारधारा हमेशा देश विरोधी विचारधारा के साथ जुड़ती दिखाई देती है और इसी कारण से हमारे देश से तो कोई भी राज्य ऐसा नहीं बचा है जहां कोई कम्युनिस्ट की सरकार हो। एक सरकार थी बंगाल और उस बंगाल के अंदर भी क्या हालत कर दी सबसे छिपाने अभी चौधरी धर्मवीर सिंह ने सही कहा है। कम्युनिस्ट जहां भी आते हैं वहां उनकी दुनिया अलग चलती है। आज दुनिया के अंदर अलग अलग 200 से ज्यादा देश है। हर एक कोई देश अपनी अपनी अधिसत्ता बनाना चाहता है, वो किसी न किसी पे आक्रमण करना चाहता है। दुनिया के अंदर एकमात्र देश ऐसा भारत है जो सबको लेके चलना चाहता, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया, जो सबके भले की कामना करता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, पूरे दुनिया में एक परिवार की तरह लेके चलता है। इसलिए नरेंद्र मोदी अमेरिका जाए, रशिया जाए, यूक्रेन जाए, सारे देश उठकर के नमस्कार करते जोरदार अभिनंदन करो। लेकिन मुझे इस बात के लिए बताया गया है कि इसी हरियाणा की धरती पर जब जब भी कांग्रेस और उसके विरोधी लोग आए इसके कारण से या लूटो खसोटो मर्जिया जो करो आपस में लड़ाओ और उनका लाभ उठाओ। इसीलिए वो और उनके नेता ये जो जिनके साथ राजीनामा करके सामने आए ये पूरे देश में भी लज्जित करते हैं, वो देश के बाहर भी लज्जित करते हैं। आप अंदाज लगा लो इस बात का कि इनकी सरकार बनी तो कुछ लेखनी काम तो करके बताते। इस बात का हमको आनंद होना चाहिए। वीरों की धरती पे जवाबदारी से बोलना चाहूंगा, जब कांग्रेस की सरकार थी तो सीमा पर पाकिस्तान के लोग आते थे, हमारे सैनिकों के सर काट के ले जाते थे। दुर्भाग्य से वो फुटबॉल खेलते, फुटबॉल, अरे हमारे बच्चे को हम पाल पोस के बड़ा करते, इस देश की सरकार के भरोसे से सेना में भर्ती करते, लेकिन अपमान कराने के लिए बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कांग्रेस के लोग पाकिस्तान से बदला भी लेते थे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जमाना है। अब करके देखे कोई, एक बार नहीं दो दो बार पाकिस्तान के घर में घुस के उसकी अकल ठिकाने का काम किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है।